हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कार विलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक कार की और वीडियो लेके आया हूं। आज की जो कार है वो टाटा इंडिगो मांजा क्वाड्राजेट इंजन के अंदर। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं, गाड़ी की कंडीशन चेक करते हैं। तो वैसे भी नाम शुरू करते हैं, सबसे पहले गाड़ी का नंबर देख लेते हैं, UP14BJ5015। ये गाड़ी का नंबर है। जैसा कि UP14 से आपको पता लग गया होगा कि ये गाजियाबाद का नंबर है। तो चलते हैं गाड़ी की कंडीशन चेक करते हैं, शुरू करते हैं। ये गाड़ी की पहली हेडलाइट की कंडीशन आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन है। साथ साथ में मैं आपको बम्पर की कंडीशन भी दिखाते हुए चलता हूँ। बम्पर की कंडीशन भी आपको नज़र आ रही होगी, एकदम साफ है। ये आपका फॉग लैम्प, पहला फॉग लैम्प, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। साथ ही साथ टायर को भी कवर कर लेते हैं हम। ये आपका पहला टायर, ब्रिज स्टोन कंपनी का टायर है। टायर की कंडीशन अभी काफ़ी अच्छी है। व्हील कैप अगर आपको चेंज कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि व्हील कैप इसके भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। की दूसरी हेडलाइट की कंडीशन दोस्तों आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, जैसे कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। कोई एक पैसे का काम इन दोनों की दोनों हेडलाइट में नहीं है। साथ ही साथ ये आपकी दूसरी फॉग लैम्प, फॉग लाइट, इसकी भी कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही है, बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आपको गाड़ी की कंडीशन नज़र आ रही होगी, बम्पर बोनट बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, बहुत ही साफ कंडीशन में है, यानी स्क्रैचेस और कहीं से ठुकी पिटी सी नज़र नहीं आ रही है, बहुत ही साफ है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ आपके दूसरे टायर की कंडीशन, सेम ब्रिज स्टोन कंपनी का टायर है। टायर अच्छी कंडीशन में है, अभी चलेगा, बट व्हील कैप आपको चेंज कराने पड़ेंगे। व्हील कैप की कंडीशन ठीक नहीं है, वो तो ज़्यादा मैटर 200-400 में आपके भी अगर आप यहाँ आते हैं तो व्हील कैप आपके चेंज हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ मैं गाड़ी का ये आपका डोर और डोर की कंडीशन भी दिखाते हैं, वो चलता हूँ, ताकि आपको पेंट का आइडिया हो जाए कि गाड़ी मतलब स्क्रैच तो नहीं है, पेंट कैसा है वो आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, साफ कंडीशन में है ये गाड़ी के दूसरे डोर की कंडीशन, बहुत ही साफ कंडीशन में। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ी 2011 मॉडल है, क्वाड्राजेट इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर। अब जैसे यहाँ से पता लग जाता है, कई बार गाड़ी क्या होता है, गाड़ी पीछे मॉडल सपोज 9 है और वो 11 में रजिस्टर्ड हुई है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी की 2011 की है और रजिस्ट्रेशन भी तो 2011 का है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप गाड़ी के बारे में पता लगा सकते हो, जिससे आप धोखाधड़ी से बच सकते हो। ये गाड़ी का तीसरा टायर ब्रिजस्टोन कंपनी का टायर है। जैसे कि मैंने कहा टायर्स अच्छे हैं, बट व्हील कैप वो आप चेंज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हम दोस्तों गाड़ी के बैक्सों की तरफ आ जाते हैं। ये गाड़ी की पहली बैक लाइट है, ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ब्रेक है, टूटी हुई है, बड़ा मैटर नहीं, आप चला सकते हो इसको। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी करा सकते हो, यहाँ जब आते हो तो अगर आप बोलते हैं कि आपको ये चेंज करा के चाहिए, तो गाड़ी ये आपकी बैक लाइट चेंज करवा के दे दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपके डिग्गी की भी कंडीशन दिखाते हुए चलता हूँ। पीछे से आप देख सकते हैं कि गाड़ी पीछे भी किसी प्रकार का कोई स्क्रैचेस नहीं है, साफ़ है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, एकदम क्लीन है। अब ये क्लीन है तो जाहिर सी बात आप समझ रहे हैं कि बम्पर पे थोड़ा बहुत टच स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए थोड़ी बहुत इस पर जो है पेंट का काम किया गया है, यानी बम्पर दोनों के दोनों आपको पेंट मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये भी कंडीशन देख लें, क्वार्टर पैनल की कंडीशन, फेंडर की कंडीशन आपको सारी की सारी वीडियो के अंदर नज़र आ रही होगी। मैं फटाफट आपको सिर्फ कवर करनी है आपका चौथा टायर, जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी सेम है, ब्रिजस्टोन का टायर है। टायर चारों के चारों ठीक कंडीशन में है, अभी चल सकते हैं, बट आप 10-15-20 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद इनको चेंज करवा सकते हैं। ये गाड़ी का दूसरा बैक डोर जो है रेयर डोर है, इसकी कंडीशन आप देखिए, हल्के फुल्के स्क्रैचेस कहीं नज़र आपको आएंगे, अदरवाइज बिल्कुल क्लीन है।
यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड फ्रंट डोर, को पैसेंजर का जो फ्रंट डोर है हल्का फुल्का कहीं पे स्क्रैच। साइड पे आ गया हूँ अभी, गाड़ी मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट की हुई थी। स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि गाड़ी का एसी और हीटर चेक हो सके, तो गाड़ी का हीटर एसी मैंने सारा कुछ चेक किया है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में, आपको कोई खर्चा नहीं कराना है। साथ ही साथ मैं छोटी छोटी चीज़ें भी चेक करने की कोशिश करता हूँ, जैसे लाइट्स हैं ये जल रही हैं नहीं जल रही हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है, तो सारी चीज़ें वर्किंग है। जैसे कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, वीडियो में नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ चेक करने की सारी वर्किंग है। जैसे कि आप देख पाते हो चारों की चारों पावर विंडो, आप ड्राइवर कैबिन से ही कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो लॉक का है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आपकी लाइट्स एडजस्टमेंट आपको मिल जाती हैं यहाँ से, लो बीम हाई बीम आपको पता ही है सारा, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, स्टीयरिंग एडजस्टेबल भी है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो, और इससे आप अपना जो भी है म्यूजिक ऑपरेट कर सकते हो, यहीं से आपको कंट्रोल मिल जाता है। साथ ही साथ मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये गाड़ी 5 गियर के अंदर आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा सा स्पेस की और बात कर लेता हूँ, जैसे छोटा मोटा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, जैसे आपने वॉलेट रख लिया, छोटी मोटी कोई चीज़ आपने रख ली, यहाँ पे दो कप फोल्डर आपको यहाँ मिल जाते हैं, ये आपका चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पे ऑक्स केबल यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके एसी का यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप, सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, हीटर एसी फैन किस कितनी स्पीड पर रखना, एवरीथिंग। ये आपका कंपनी फिटेड स्टूडियो है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे एफ एम यूएसबी ऑक्स सीडी डिस्क और मतलब लगभग सारे के सारे फीचर्स आपके इसके कवर हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने म्यूजिक चालू किया हो तो मैं आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जैसे कि आवाज़ आपको आई होगी। ये आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, अच्छा खासा ग्लव बॉक्स में स्पेस है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको चेक करा दी हैं, अब मैं ब्रीफ में थोड़े से इसके फीचर्स और इसकी जो कीमत उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों ये 2011 टाटा इंडिगो मांजा क्वाड्राजेट इंजन के अंदर है। क्वाड्राजेट मैंने क्यों मेंशन किया, मैंने फोर्सफुली क्यों बोला, रीजन बिंग जो इंडिगो मांजा क्वाड्राजेट इंजन के अंदर आती है उसका इंजन और स्विफ्ट का इंजन लगभग सेम है। इस गाड़ी की एवरेज की अगर हम बात करें तो 18 से 21 किलोमीटर के बीच में इसकी एवरेज क्लेम की जाती है। 18 किलोमीटर हम सिटी का लेके चलते हैं और 21 किलोमीटर तकरीबन हाईवे पे इसकी क्लेम होती है। ये कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो है मतलब ऑन एन एवरेज जो निकाला गया है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं, सारी चीज़ें आपको दिखा दी, सारी चीज़ें वर्किंग हैं, और अब बात कर लेते हैं गाड़ी की कीमत की। ठीक है, इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 1,80,000 रुपीज़, केवल 1,80,000 रुपये इसकी कीमत है। वो भी आप आओ गाड़ी देखो, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है उसको क्रॉस चेक करो, अगर सारी चीज़ें जैसी मैंने बताई वैसी आपको मिलती हैं देन आप इस गाड़ी पे नेगोशिएशन कर सकते हो और इसको बाय कर सकते हो। एक चीज़ मैं और बता दूं, इस गाड़ी पे फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, ये गाड़ी आपको कैश में ही लेनी पड़ेगी, चाहे वो जैसे कि यूपी नंबर है, यूपी के कोई कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी ज़िले के हमारे क्लाइंट अगर इस गाड़ी को लेते हैं तो उनका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, सिर्फ उनको एनओसी निकलवानी है, एनओसी हम निकलवा
दिलवा के देते हैं यहाँ से एनओसी, वो आपको उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की वो एनओसी वो चाहते हैं वहाँ पे जमा करते हैं, वहाँ का वहाँ इनका ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, नंबर यही रह जाता है, सिर्फ आरटीओ में फाइल चेंज हो जाती है। उसके बारे में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मार्क कर सकता है या आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैं आरटीओ का प्रोसेस पूरा बता दूंगा कि किस तरीके से गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। ये चीज़ तो मैं फिर ब्रीफ आइडिया देता हूँ। 2011 टाटा इंडिगो मंजा क्वाड्राजेट तकरीबन 58,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर है, 1,80,000 रुपये डिमांड है, वो भी नेगोशिएबल है। इसके अलावा भी कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिखिए या आप मुझे मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा। और भी कोई आपको, क्योंकि सारी गाड़ियों का वीडियो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं डाल सकूँ, मैं कोशिश मैं करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की वीडियो आप तक पहुँचे। जैसे सपोज इस गाड़ी का वीडियो देख रहे हैं बट आपको गाड़ी कोई और चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो दूसरी गाड़ी की डिटेल भी आपको दे दी जाती है जो भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी नहीं, अगर कोई चीज़ आपको समझ आई है, कोई चीज़ और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसको देख सकते हैं। ये गाड़ी भले ही आपको ना लेनी हो, अगर आपको ये गाड़ी नहीं लेनी कोई और लेनी हो उसकी जानकारी आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, हर जगह आप शेयर कीजिए ताकि आपको इस गाड़ी की नीड नहीं है, अगर किसी और को ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी के लिए सर्च कर रहा है, गाड़ी के लिए वर्कआउट कर रहा है, तो एटलीस्ट उसका समय और पैसा दोनों बच सकें, वो घर बैठे गाड़ी की कंडीशन चेक कर ले, पैसे की कीमत की डिटेल मैंने बता दी, वो अपना वहीं से माइंड मेकअप कर सकता है और आके इस गाड़ी को ले सकता है, जिससे उसके समय और पैसे दोनों की बचत हो सकती है। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।